पिछले 3 सालों से जोधपुर जेल में बंद आसाराम बापू के समर्थकों ने बापू को जेल से रिहा करवाने के लिए केंद्र सरकार का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया है। आसाराम के हजारों समर्थकों ने 12 मई से दिल्ली में जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन आंदोलन सत्याग्रह कर जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन की खास बात यह है कि इस आंदोलन को अखिल भारतीय नारी रक्षा मंच दिल्ली की महिलाओं द्वारा संचालित किया जा रहा है। आंदोलन पर बैठे आसाराम समर्थकों की मांग है कि बापू पर फर्जी केस कर उन्हें जेल में रखा गया है, उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए, अन्यथा उन्हें भी जेल में डाल दिया जाए। नारी रक्षा मंच की महिला अधिकारियों ने मंच को संबोधित करते हुए कहा कि यह देश आध्यात्मिक देश है और यहाँ के संतों को बदनाम करने के लिए इस प्रकार के झूठे केस कर उन्हें जेल में रखा जा रहा है, जिसे हिंदू धर्म बर्दाश्त नहीं करेगा। आंदोलन कर रहे समर्थकों ने राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंप आसाराम बापू को जल्द रिहा करने की मांग की। जनता मंदिर के उस स्थल पर हम आ पहुंचे हैं जहां पर हो रहा है बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन। मांग की जा रही है कि या तो आप आसाराम बापू को, हमारे गुरु को रिहा करिए या फिर हमें भी गिरफ्तार कर लीजिए। 12 मई से अनिश्चितकालीन विशाल सत्याग्रह, बापू जी को तुरंत रिहा करो अन्यथा हमें भी गिरफ्तार करो, ये अपील की जा रही है आज इस मंच से। यहाँ पर लाखों हजारों लोग एकत्रित हुए हैं। आपको मैं दृश्य दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में यहाँ पर आसाराम बापू जी के समर्थक पहुंच चुके हैं। बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर बैठ कर ये मांग की जा रही है कि रिहा करो, रिहा करो, बापू जी को रिहा करो। सरकार के बीच में ही लोग बैठ के कहते हैं कि बापूजी को हमने गिरफ्तार कराया। यहां तक कि बिहार चुनाव में भी वो अपनी सेखी बघाड़ते रहे कि हमने गिरफ्तार कराया। लोग हमसे पूछते हैं कि बापू गिरफ्तार क्यों हुए। अरे क्यों क्या हुए, जिस राज सत्ता का दुरुपयोग करके बापू को गिरफ्तार कराया गया, आज वो खुद खुलेआम कह रहे हैं ये जांच का विषय हो। प्राथमिक स्तर पर बहुत अधिक लाभ हमें हो सकता है, जहां पर संतों का सत्संग होता है, तो वहाँ उस पर्व में आने का अवसर उन्हें क्यों नहीं दिया जा रहा, उन्हें क्यों जेल में रखा जा रहा है। तो तुरंत उन्हें रिहा किया जाए और कुंभ पर्व में सम्मिलित होने के लिए एक रिक्वेस्ट, एक ज्ञापन हमारे द्वारा भी वहाँ की सरकार को, मध्य प्रदेश के प्रशासन को और यहाँ नई दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी दिया गया और ये उनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि ये जो ज्ञापन है इसके माध्यम से हमने मांग की है कि पूजनीय आसाराम बापू जी, साध्वी प्रज्ञा सिंह जी और अन्य संतों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो निर्दोष हैं, उनके विरुद्ध में कोई भी अपराध जो है वो सिद्ध नहीं हुए हैं। साधु संतों का अपमान नजारा। हमारे देश का दुर्भाग्य कि आज इतने बड़े संत जो है धरती पर अवतरित हुए वो जेल में हैं। ये भारत की धरती, हमारे साधु संतों की धरती है। यहाँ पर एक संत को जेल में रख के सताया जा रहा है। पिछले 3 साल से हमने धैर्य रखा हुआ है कि चलो न्याय प्रणाली, हमारे बापूजी बाहर आएंगे, लेकिन अब हमें कोई न्याय दिखता हुआ दिख नहीं रहा है। इसलिए हम सारे जंतर मंतर में इकट्ठे हुए हैं इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। हम सिर्फ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे बापूजी को जल्दी जल्दी जेल से बाहर करें। जिन्होंने मर्डर कर दिए होते हैं वो बाहर आ गया। हमारे बापूजी ने ऐसा क्या किया, सिर्फ बापूजी ने ये जुल्म किया हमारा कि जगह जगह बाल संस्कार खुलवाए, बापूजी ने ये जुल्म किया कि लोगों की शराब और नशे छुड़वाए, क्या बापूजी ने ये जुल्म किया कि हमारे जो घरों में जो लोग पाठ पूजा नहीं करते थे उनको पाठ पूजा माला जप करना सिखाया, क्या कसूर है हमारे बापू का। और मेरे को तो 22 साल हो गया, 22 साल से मैं आश्रम की सेवा करती हूँ, 22 साल से बापू के अंग संग रहती हूँ, इतनी बहने रहती हैं, इतने सालों से हम कर रहे हैं। मेरे बापू तो गंगा जल की तरह निर्दोष है, गंगा जल जैसे पवित्र है ना वैसे बापू पवित्र है बिल्कुल भी। लेकिन अब हम अंग जल त्याग करके यहाँ बैठेंगे अनिश्चित काल तक, जब तक बापू नहीं आएंगे तो करोड़ों जाने यहाँ चले, अनिश्चित काल तक। बहुत बड़ा ऐलान, हम बैठेंगे भूखे प्यासे बैठेंगे और सरकार को आसाराम बापू को रिहा करना ही होगा। ये अपील की जा रही है आज इस मंच से कि या तो आप उन्हें रिहा करिए या फिर हमें भी गिरफ्तार कर लीजिए। धरना नहीं है, ये सत्याग्रह है। एक सत्याग्रह गांधी जी ने किया था अंग्रेजों के खिलाफ। आज हमारे भारत देश को जिसको हम स्वतंत्र बोलते हैं, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं है। हमारे ऋषि मुनि, हमारे साधु संत जेल में डाल दिए जाते हैं, गायों की हत्या हो रही है और हम कहते हैं कि हमारे
भारत देश में अच्छा काम हो रहा है, अच्छा काम नहीं हो रहा, सब दुनिया जानती, पूरा विश्व जानता है कि बापू जी को फंसाया गया है। अभी तक बापू जी पर कोई भी आरोप तय नहीं है, उसके बावजूद भी बापू जी को बेल तक नहीं मिल रही है। ये शासकों से पीड़ा है, 3 वर्ष हो गए बापू जी और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को और दूसरे लोगों को छोड़ दिया गया है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को और कर्नल पुरोहित को और आशीमानंद जी को नहीं छोड़ा। जो हिंदू संत हैं, जो सनातन संस्कृति की रक्षा करते हैं, उनके खिलाफ षड्यंत्र, तो ये बापू जी जल्दी से रिहाई हो उसकी मांग को लेकर के आज यहाँ जंतर मंतर पे हम हजारों की भीड़ है, हजारों के अभी तो हजारों के अभी लाखों के आने वाली है, अभी तो शुरू हुई है। अभी कहते हैं आपको शासन प्रशासन क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद पूरी है, हमको पूरा न्याय मिलेगा, हमको अपने गुरुदेव पे विश्वास है। सरकार को क्या मैसेज भेजना चाहते हैं? सरकार को ये मैसेज है कि भाई समय रहते चेत जाए तो अच्छा है, जैसे सुग्रीव जी है ना, वो चेत गए थे, लक्ष्मण जी ने हुंकार भरी थी, अपना कर्तव्य भूल गए थे, ऐसे आज की सरकार अपना कर्तव्य भूल गई है, तो ये हुंकार है। अगर चेत जाए तो अभी सिर्फ दिल्ली की समितियां जुड़ी हैं, संत सताए तीनों जाए तेज, केड़ा केड़ा कही गए रावण, इस भारत की संस्कृति पे उसी का राज्य होता है जो संतों का सम्मान करता है, गाय माता का सम्मान करता है। आपका जो सत्याग्रह कितने दिनों का चलेगा? 4 दिन तक चलेगा ये, अनिश्चित काल है। और पूरे देश भर से अभी लोग आ रहे हैं, तो बहुत कम लोग हैं दिल्ली के ही हैं, लेकिन अभी भारत वर्ष से लोग चल पड़े हैं, ऑस्ट्रेलिया से रविवार तक ये चलेगा, रविवार को हम सब अपनी गिरफ्तारी देंगे। जेल भरो आनंद। राजधानी दिल्ली की बात करेंगे, जहां पर आसाराम के समर्थकों ने जंतर मंतर पर सत्याग्रह शुरू किया। आपको बता दें कि आसाराम के समर्थकों का कहना है कि अगर जल्द ही उन्हें रिहा नहीं किया गया तो वे जेल भरो आंदोलन करने को मजबूर होंगे। वहीं उन्होंने आसाराम के ऊपर लगे आरोपों की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की है। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर करीब समर्थकों ने आसाराम की रिहाई की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। अनशन के बाद हजारों लोगों ने जेल भरो आंदोलन के संकेत भी दिए। जोधपुर में पेशे के दौरान आसाराम बापू बयान, कहा अंधा हो गया है कानून, एक लड़की की वजह से परेशान है मेरे लाखों समर्थक। पेशे के दौरान कहा जेल के जैमर की वजह से बढ़ती जा रही है मेरी बीमारियां।